हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुबीना और मैं आपको सिखा रही हूं ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स अपने चैनल शिफा ब्यूटी पार्लर पर बुक के द्वारा स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड, यहां पर आप जान ही चुके होंगे कि मैं आपके लिए आज आईब्रो का वीडियो लेकर आई हूं। तो बीच बीच में आईब्रो के वीडियो डालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पार्लर में आईब्रो किस तरीके से बनाएँ। सो यहाँ पर मैंने आईब्रो शुरू करने से पहले पाउडर का यूज़ किया था ताकि हेयर अलग अलग हो जाए, और उसके बाद स्टार्टिंग के जो हेयर है जो बढ़ जाते हैं उसको सीज़र से कट करना है, और उसके बाद मैं आईब्रोस का बनाना स्टार्ट करती हूँ। ऊपर से आईब्रो के ऊपर के साइड से मैं एक आड़ी लाइन देती हूँ। जो क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग आईब्रो को बनाना होता है। अगर उनको गोल बनाना है तो हमें ऊपर से गोल शेप देना होता है। अगर उन्हें आर्च आईब्रो बनाना होता है तो हमें आर्च शेप देना होता है। तो यहाँ पर इनको आर्च शेप चाहिए, ज़्यादा पॉइंटेड नहीं चाहिए बट पॉइंट थोड़ा चाहिए इनको। तो मैं तिरछी आड़ी लाइन दूंगी यहाँ पर और एक तिरछी लाइन दूंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उससे मेरा एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा मेरे क्लाइंट के आईब्रो का। देखिए, मैं यहाँ से तिरछी लाइन दे रही हूँ अच्छी तरीके से, नीट एंड क्लीन। और उसके बाद मैं फॉरहेड के हेयर को भी निकालते हुए चलूँगी यहाँ पर, और बीच में से बिल्कुल सेंटर में से आईब्रो को ऊपर से क्लाइंट को खींचने लगाना है और नीचे से पकड़ने लगाना है, ताकि आईब्रो का शेप अच्छे तरीके से आए। अगर हमारे क्लाइंट अच्छे तरीके से स्ट्रेच करे आईब्रो को बिल्कुल सेंटर में से, जहाँ से हमारा पॉइंट निकलता है आईब्रो का, वहाँ से, तो आईब्रो का शेप बहुत अच्छा निकल के आता है। और ये डिपेंड करता है 50% तो क्लाइंट पर, कि उनने किस तरीके से पकड़ा है। अगर वो अच्छे तरीके से आईब्रो को पकड़ते हैं तो शेप भी अच्छे तरीके से आता है। तो हमें एक एक हेयर निकालना होता है जब हम नीचे की आईब्रो बनाते हैं, आईब्रो के नीचे के हेयर निकालते हैं। तो स्टार्टिंग के हेयर निकालने के लिए हमें आईब्रो को ऊपर से स्टार्ट जहाँ से आईब्रो होती है वहाँ से ऊपर से खींचना होता है, ताकि वे वहाँ के हेयर प्रॉपरली निकल पाए। अगर हम आईब्रो के ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से खींचेंगे तो स्टार्टिंग के हेयर प्रॉपरली नहीं निकल पाते हैं। और मैं सेंटर के भी अच्छी तरीके से हेयर को क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से आईब्रो को यहाँ पर बनाया है। मेरी जो ये क्लाइंट है, इनको बिल्कुल भी बारीक आईब्रो नहीं बनानी थी, ये मीडियम इनको आईब्रो चाहिए था। और अभी ऐसे कोई क्लाइंट नहीं आते जिनको बारीक आईब्रो बनाना होता है, एकदम बारीक। मैक्सिमम क्लाइंट बोलते हैं कि हमें मीडियम ही आईब्रो चाहिए, बिल्कुल बारीक मत कीजिए, या तो फिर ठीक आईब्रो बनाने लगाते हैं। बिल्कुल भी अभी ज़्यादा फैशन नहीं चल रहा है बारीक आईब्रो का, तो यहाँ पर मीडियम आईब्रो ही बनवाते हैं क्लाइंट। सो हमारी एक साइड की आईब्रो बन चुकी है और अब हम दूसरे साइड की आईब्रो को बना रहे हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड, आपको ऊपर से और नीचे से अच्छी तरीके से स्ट्रेच करना होता है आईब्रो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मेरे क्लाइंट ने आईब्रो को पकड़ा है, मैंने पकड़वाया। उसके बाद मैं हेयर को एक एक करके हेयर को निकाल के शेप दूंगी। हमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी चाहिए आईब्रो के हेयर निकालते समय, नहीं तो आईब्रो बिगड़ सकती है। पार्लर कोर्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आईब्रो बनाना आना, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक हमारा पार्लर का कोर्स नहीं हो जाता तब तक हमें आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमारे आईब्रो अच्छी तरीके से बने। अगर हमारी आईब्रो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होंगी तो हमारा, जब हमारे पार्लर में कस्टमर भी बढ़ेंगे। अगर हम अच्छी तरीके से आईब्रो बनाकर देंगे, तो डिपेंड करता है कि आईब्रो हमारी किस तरीके से बन रही हो, तो अच्छी तरीके से बनाने की प्रैक्टिस करें। सो यहाँ पर मैं देख सकते हो आप किस तरीके से मैंने आईब्रो बनाई है और आईब्रो का शेप कितना अच्छा निकल के आया है। उसके बाद हमें आईब्रो बनने के बाद हल्की सी मॉइस्चराइज़र या क्रीम से आईब्रो को मसाज देनी है, ताकि वहाँ की स्किन को रिलैक्स मिल सके। तो आप देख सकते हो इनकी आईब्रो कितनी प्यारी बनी है। सो फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।